हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने चने की रेसिपी तैयार करने जा रही हूँ। ये काले चने मैंने लिए हैं, करीब 1.5 कप मैंने ले करके इन्हें अच्छी तरह धोकर रात में भिगो दिया था, तो रात से ये अब तक भीगे रहे और अब हम इन्हें उबाल देंगे। बड़ी आसान सी रेसिपी है, मैं दो तरह से इन्हें बनाऊंगी। इनको उबालने के बाद मैं दो हिस्सों में इन्हें बांट दूंगी और मैं आपको फ्राई जैसे हम करके बनाते हैं पहले वो वाली रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, और उसके बाद मैं इनकी करी किस तरह तैयार करते हैं, इनको हम चावलों से अक्सर खाते हैं और बहुत मज़ेदार लगते हैं, मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये चने मैंने रात में भिगो कर रखे थे और आप रात में 2-3 पानी से अच्छी तरह धो करके इन्हें भिगोएं, और जिस पानी में आप भिगोते हैं उसी पानी में आप इन्हें उबालें, क्योंकि वो जो पानी है वो बहुत फ़ायदेमंद रहता है। अगर आप सुबह में उठ करके बच्चों को 2-4 दाने ये दे दें चने के, तो बहुत फ़ायदेमंद रहते हैं। ये जो काले चने हैं ये सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। तो चलिए अभी मैं आपको रेसिपी देती हूँ, बताते हैं कि हम इसे किस तरह से तैयार करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसी पानी में, ज़्यादा पानी नहीं है, सिर्फ इतना हमें रखना है कि ये गल जाए, और थोड़ा बहुत पानी अगर बच भी जाए तो कोई परेशानी की बात नहीं है। इसमें मैं नमक ऐड करके और इन्हें गला लूँगी, तो मैं इन्हें गला लेती हूँ और दिखाती हूँ आपको किस तरह से हमें इसे तैयार करना है। तो यहाँ पर मैं चने प्रेशर कुकर में डाल चुकी हूँ, नीचे मैंने फुल फ्लेम पर मैंने ऑन किया हुआ है, और यहाँ मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डाल रही हूँ। करीब 1.5 चम्मच मैंने इसमें डाला है, टीस्पून, 1.5 टीस्पून मैंने इसमें सॉल्ट का ऐड किया है, यानी कि नमक का। और अब मैं इसे करीब 2 सीटी आने तक फुल फ्लेम पर मैं इसे पकाऊंगी, और उसके बाद मैंने इसे लो फ्लेम पे कर लेना है। करीब 10 मिनट हमें इसे पकाना होगा और ये झटपट गल जाएंगे, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, रात के भीगे हुए हैं। तो मैं अब इसे गला लेती हूँ, पहले 2 सीटी आने तक फुल फ्लेम पर पकाऊंगी और उसके बाद 5 से 7 मिनट इंशाल्लाह उसमें ही गल जाएगा, और लो फ्लेम पर उतनी देर हमें पकाना है। तो कर लेती हूँ, चने गल जाने के बाद मैं आगे की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर एक प्रेशर आ चुका है, एक और मैं सीटी फुल फ्लेम पर ही कुक कर रही हूँ, और थोड़ी देर में ही मैं इसे लो फ्लेम पर कर दूंगी। करीब 5 से 7 मिनट या 10 मिनट जितना आपका टाइम आप लेते हैं उस तरह से लें, लेकिन पहले आ जाने के बाद अगर आप लो फ्लेम पे करते हैं तो थोड़ा जल्दी से ये जो है चने वगैरह, राजमा वगैरह, ये जल्दी गल जाती हैं। तो मैंने लो फ्लेम पर कर दिया है और अब इसे कुछ देर में लो फ्लेम पर पकाऊँगी। तो यहाँ पर मैं चने उबाल चुकी हूँ और मैंने बहुत थोड़े से चने लिए हैं, करीब 1 कटोरी चना मैंने निकाला होगा उसमें से। उबलने के बाद डबल हो जाते हैं, फूल जाते हैं चने। तो इन चनों में नमक डाल के हमने उबाला था, और कुछ चीज़ें मैं आपको और दिखाती चलती हूँ। यहाँ पर तड़के के लिए मैंने ज़ीरा और हींग लिया है, हींग यानी कि एसाफोएटिडा। ये आप अपने 1 से 2 चुटकी ले लें, या फिर जितने चने हैं आप उस हिसाब से ले सकते हैं। थोड़ा सा ज़ीरा लिया है मैंने, ये भी आप अपने जितने आपके चने आपको उस हिसाब से लेना है। मैं यहाँ पर बहुत थोड़े से चने बना रही हूँ तो मैंने उसी हिसाब से लिया है। थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, अगर आप स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप रेड चिली पाउडर इस्तेमाल कर लें। साथ में मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ चाट मसाला, मैंने लिया है MDH का चाट मसाला, मैं ले रही हूँ करीब 1/4 टीस्पून, और रेड चिली पाउडर मैंने अपने हिसाब से बहुत थोड़ी सी ली है। और साथ में ये जो चीज़ें यहाँ रखी हैं ये ऑप्शनल हैं, अगर आप पसंद करते हैं तो डालें, नहीं पसंद करते हैं तो ना डालें, लेकिन इन सारी चीज़ों से चनों का मज़ा दुगना हो जाता है, बहुत ही बढ़िया इसका टेस्ट आता है। तो ये यहाँ पर मैंने एक हरी मिर्च लेकर के, ये मोटी वाली हरी मिर्च है जिसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और बहुत कम स्पाइसी होती है, ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती। तो ये एक लेकर के मैंने बारीक काट ली थी, एक प्याज छोटे साइज़ का, स्मॉल साइज़ का अनियन लेकर के चॉप कर लिया था, यही एक स्मॉल अनियन, चॉप्ड अनियन है, यहीं पर चॉप सिलेंट्रो या फिर धनिया आप समझ लें, और थोड़ा सा ये नींबू। ये सारी चीज़ें ऑप्शनल हैं, आप चाहें तो डालें चाहे ना डालें। साथ में अगर आप चाट मसाला इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे तो आप बेशक चना मसाला वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चाट मसाले से इसका बहुत अलग सा ही टेस्ट आता है। तो मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा सा ऑयल हमें चाहिए होगा, देखते हैं किस तरह से ये बनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं।
तो यहाँ पर मैंने बहुत थोड़ा सा ऑयल लिया है, करीब समझें कि 2 टीस्पून मैंने लिया होगा ऑयल, और इसमें ये गर्म हो चुका है। अब हम इसमें हींग और जीरा डाल देंगे। ये देखिए ये कड़कड़ा चुका है, और अब इसमें जैसे ही ये थोड़ा सा, देखिए जलाना नहीं है जीरे को, फौरन ही हमने इसमें ये चने डाल दिए, और साथ के साथ ही हमने ये मसाले जो डाले हैं ये भी डाल देने हैं। और फ्लेम मैंने लो कर दी थी क्योंकि फिर मसाला उचटता है। अब दोबारा से फ्लेम फुल कर देंगे। यहाँ आप देख रहे हैं कि मैंने थोड़ा पानी भी डाला है, जो पानी इसका उबलते में बच गया था वो भी मैंने इसका इस्तेमाल किया है। इसको मैं यहीं पर खुश्क कर दूंगी, सुखा दूंगी। तो मैं इसे पका लेती हूँ, जब तक कि ये पानी खुश्क होता है तब तक हमें इसे पकाना है। इससे क्या होगा कि मिर्चों की जो तेज़ी है वो भी ख़त्म हो जाएगी, जो एक कच्चेपन की धसक होगी वो ख़त्म हो जाएगी। तो अब मैं इसे पका लेती हूँ, खुश्क कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर ये खुश्क हो चुके हैं चने, और अब मैं इसमें प्याज ऐड कर दूँगी। अगर आप प्याज नहीं ऐड करना चाहते तो बेशक ना करें, प्याज वगैरह जो ही, अगर ये मसाले नहीं ऐड करना चाहते बिल्कुल ना करें। और इसे हल्का सा मिला लें। गैस इस वक्त पे मैं बंद कर देती हूँ क्योंकि प्याज ज़्यादा गली हुई अच्छी नहीं लगती है। यहीं पर मैं टमाटर गरम गरम में ही ऐड कर दूँगी, और हरी मिर्च, हरा धनिया, सिर्फ नींबू छोड़ करके हम सारी ही चीज़ें मिला लेंगे, और थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए मैंने छोड़ दिया है। तो यहाँ पर मैं इसे मिक्स करके, और अब ये चने हमारे तैयार हो गए हैं। मैं इसे सर्व करती हूँ, नींबू इनमें स्क्वीज कर देना है। तो ये देखिए ये चने हम निकाल चुके हैं। जो भी डिश आपने इस्तेमाल करनी है, ऊपर से नींबू स्क्वीज कर दिया है, और थोड़ा सा हरा धनिया और टमाटर वगैरह हम और डाल देंगे, थोड़ा अच्छा लगता है। अगर आप हरा धनिया, टमाटर, प्याज, हरी मिर्च नहीं ऐड करना चाहते तो भी ये नमक मिर्च और चाट मसाले के साथ बहुत अच्छा बनता है। चाहे तो आप चना मसाला वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका टेस्ट चाट मसाले से बहुत ही अलग आता है। और मैं आज यहाँ पर MDH का चाट मसाला इस्तेमाल किया है, और वैसे आम तौर पर मैं यहाँ NCR में, दिल्ली में, जुम्मन चाट मसाला, जो दिल्ली में रहते हैं वो जुम्मन चाट मसाले को एक बार ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही मज़ेदार उसका टेस्ट आता है, और बहुत रीज़नेबल भी पड़ता है। तो MDH का भी टेस्ट बहुत अच्छा है, दोनों ही मुझे बहुत पसंद है, मैं ये दो ही ब्रांड यूज़ करती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी सिंपल और बहुत ही अलग सी लगी होगी। हो सकता है अपने घरों में आप लोग भी इस तरह से बनाते हो, और हो सकता है कि आपका तरीका थोड़ा अलग हो। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें, और मुझे भी बताएं आपकी ये रेसिपी कैसी तैयार हुई है। दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।